हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आपका सीईटी का मेंस एग्जाम होने वाला है, जो आपका कॉमन ग्रेजुएट लेवल है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रुप 56 की, जिसके लिए आपकी ग्रेजुएट मांगी गई है और सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी आपकी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है हरियाणा में, ठीक है। ग्रुप 56 आपका है कॉमन ग्रेजुएट लेवल का, एक आपका कॉमन हायर सेकेंडरी का है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा बाकी जो आपके ग्रुप हैं वो स्पेशल एजुकेशन के हैं, जिन्होंने स्पेशल किसी चीज में डिप्लोमा कर रखा है उससे रिलेटेड है, वो आप सभी देख सकते हैं। आज की वीडियो में केवल और केवल हम बात करने वाले हैं जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसमें कोई स्पेशल चीज नहीं मांगी गई है, क्लियर है। तो इससे रिलेटेड हम जो बात करेंगे, कौन कौन सी आपकी पोस्ट है जो बढ़िया पोस्ट है, केवल वो हम बात करेंगे जिसमें स्पेशल कुछ मांगा नहीं गया है ग्रेजुएट के अलावा। उसके बाद हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में, उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इन सभी के लिए आपको क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, जब आप सभी को पता है कि सीईटी का आपका पहला पेपर हो चुका है, अब आपकी चॉइस मांगी जाएगी, ठीक है, मेंस से पहले, कि आप कौन कौन सी चॉइस है जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे पोस्ट दी जाएंगी। अब देखिए, ग्रुप जो 56 है आपका, इसमें कॉमन ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, इन सभी के लिए आपका सिलेबस लगभग सेम रहने वाला है। और जो टॉप यहां पर वैकेंसी रहने वाली है इस ग्रुप में, वो कौन कौन सी है, एक्साइज इंस्पेक्टर की है, जिसमें आपकी 10 पोस्ट है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की टैक्सेशन इंस्पेक्टर की है, जिसमें लगभग 155 पोस्ट हैं अभी तक के लिए। फूड एंड सप्लाईज में आपकी है एक इंस्पेक्टर की पोस्ट, जिसमें 38 पोस्ट हैं। इन सभी में केवल और केवल आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी फील्ड से, क्लियर है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। तो तीन तो ये हो गई टॉप पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं, और लेवल 6 की हैं, जिसमें आपका बेसिक जो रहने वाला है 35400 से लेकर 1 12400 तक रहने वाला है, जिसमें आपकी जो इन हैंड सैलरी लगभग लगभग 50K के आसपास बनेंगे, क्लियर है, 52-53 के आसपास। उसके बाद जब हम बात करें इसके अलावा आपकी, जिनके पास ग्रेजुएट के साथ साथ इनमें प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, जिसके पास इसमें डिप्लोमा है, ठीक है, और डिप्लोमा की यदि मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन हायर ऑफिसर्स कोर्स में होना चाहिए, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ग्रेजुएट वाले तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास डिप्लोमा होगा। अर्बन लोकल बॉडीज में आपकी सेक्रेटरी की पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है ये भी, 14+8 में वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है। और केवल ग्रेजुएट की बात करें तो उसके अलावा जो आपकी रहेगी जिलेदार की है, जिसमें केवल ग्रेजुएट मांगी गई है आपकी, 41 पोस्ट है। उसके बाद कैनल पटवारी की है, 1100 पोस्ट, केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है, लेकिन ये लेवल 2 की है, बाकी सारी आपकी लेवल 6 की है। एक आपकी लेवल 2 की ग्राम सचिव की है, एक आपकी कैनल पटवारी की है जो आपकी लेवल 2 की है, बाकी सारी लेवल 6 की है, क्लियर है। उसके अलावा ग्राम सचिव आपकी मैंने बता दी, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर नॉलेज इसमें होनी चाहिए, 3107, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 3107 ग्राम सचिव की लेवल 2 की आपकी है ये। उसके बाद जिलेदार हो गया आपका, कैनल पटवारी हो गया, 1100 पोस्ट है, इसमें भी केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है और ये भी लेवल आपकी 2 की। तो इनमें से यदि मैं बात करूँ तो जो टॉप पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें बच्चे अच्छी खासी नौकरी पाने के लिए मेहनत करते हैं ग्रेजुएशन वाले, वो एक्साइज टैक्सेशन और फूड एंड सप्लाई की है, बेस्ट इनमें से। उसके बाद आपकी रह गई कैनल पटवारी, जिलेदार, और आपकी पटवारी लैंड रिकॉर्ड की होगी, ग्राम सचिव की, ये आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, जिसमें टॉप आपकी रहने वाली है इंस्पेक्टर की पोस्ट। इसमें पे स्केल यहाँ पर मैंने बता दिया, केवल 2 हैं आपकी लेवल 2 की ग्राम सचिव की, और आपकी कैनल पटवारी की है, और एक आपकी लैंड रिकॉर्ड पटवारी PB1 की है आपकी, जहाँ पर मैंने बता रखा लेवल 6 के लिए जो आपका पे है ये रहने वाला है, और लेवल 2 के लिए 5200 से लेकर 20200, जिसमें आपकी जो सैलरी बनेगी यहाँ पर 25K के आसपास बनेगी, और इसमें 52K के, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है आपकी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट में। तो ये आप प्रेफरेंस से फिल कर सकते हैं, पहले इंस्पेक्टर वाली फिल कर दें, उसके बाद आप जिलेदार, फिर आपकी ग्राम सचिव, फिर पटवारी, सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है सबकी सेम हो। और जिनके पास डिप्लोमा है वो इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं इंस्पेक्टर के बाद, ठीक है, लास्ट में फिर आप भर सकते हैं आपकी कैनल पटवारी और लैंड रिकॉर्ड पटवारी। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है लैंड रिकॉर्ड पटवारी में, ग्रेजुएट के साथ साथ आपका जो मांगा गया है पटवार का भी यहाँ पे आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सभी को पता है जो सिलेबस आपका है 20% हरियाणा जीके, फिर 10% आपका कंप्यूटर यहाँ पर पूछने वाले हैं,
और बाकी जो 70% रह गया, ठीक है, 100% यानी कि 100 क्वेश्चन में बात करें तो 20% 20 क्वेश्चन हरियाणा जी के 10 कंप्यूटर के हो गए, बाकी 70% है उसमें आपका क्या क्या पूछने वाले हैं, ये उसमें आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी, उसके अलावा मैथ्स, उसके अलावा रीजनिंग हो गया आपका, इसके अलावा जो नई चीजें इसमें ऐड की गई है वो मैं आपको बता देता हूं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है, इसमें आपकी हरियाणा की भी इकोनॉमिक्स शामिल होती है, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में, इसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये चीजें हैं आपकी जो नई इसमें ऐड की गई हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जो 70% में आपका पूछा जाएगा, इन सभी के लिए कॉमन आपका सिलेबस रहने वाला है, 20 आपका हरियाणा, 10 कंप्यूटर, 70% में ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। अब ये वेटेज इन्होंने नहीं दी है कि मैथ में कितना पूछेंगे, इंग्लिश में कितना पूछेंगे, ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी कमी छोड़ दी है, बाकी 70% में इन्होंने मेंशन किया कि हम ये चीजें पूछने वाले हैं, ठीक है। इसका जो डिटेल बाकी का स्क्रीनशॉट है कि कौन सी कैटेगरी के अनुसार कितनी पोस्ट है उसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं, माय एग्जाम बाय बुपी दिया, वहां पर आपको मिल जाएगा सिलेबस की, मैं डाल चुका हूं, पे स्केल आपका हो गया, और ये आपकी प्रेफरेंस के बारे में जो मेन बात हम करने वाले थे, जो आप प्रेफरेंस फील कर सकते हैं, जो आप कॉमन ग्रेजुएट लेवल की फील कर सकते हैं, ये आपकी टॉप रहने वाली इंस्पेक्टर की, उसके बाद इसमें से सबकी जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है, और इसमें कैंडल पटवारी, पटवारी का क्या काम होता है, प्रमोशन कैसे होती है, वो सारी वीडियो मैं डाल चुका हूँ जॉब प्रोफाइल में, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई हुई हैं, पटवारी, कैंडल पटवारी सभी की, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर है। फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इनमें से जो लगभग है हरियाणा जीके, कंप्यूटर, और बाकी जो आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, और बाकी जो ये मतलब चीजें हैं जो आपकी लगभग कवर हो चुकी हैं आपके इस लेवल के अकॉर्डिंग, जो नई चीजें हैं उसकी भी क्लासेस हम यहां पर डालने स्टार्ट कर देंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।